इकड़े इकड़े आ जाओ, इकड़े इकड़े। ये इनका मतलब है, ये पूछ रहे हैं कि ऊपर कवर क्या होता है। पहुंचने वाले हैं ये डैम पे। ये है फर्स्ट व्यू, और ये फूड है ब्रेकफास्ट हमारा, और कोला में सैंडविच, वड़ा पाव, ब्रेकफास्ट कटलेट कटलेट, और ये एगलेस वनीला केक, और ये सॉस है और फ्रूटी। वाह, खाते हैं बड़ा वो बॉम्बे का, बहुत मंदिर लगा। ये देखिए बड़ा वो बॉम्बे का बड़ा वो क्या हो गया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। विनर ऑफ द बैटल। बताइए क्या चाहिए आपको? ओनली वन कप ऑफ चाय। ये बॉम्बे में चाय नहीं मिलती, यहाँ वड़ा पाव मिलता है, वड़ा पाव बस। पर चाय की जगह वड़ा पाव कैसे पी सकते हैं? अरे उसको चबाइए और पीजिए। नहीं, चबा के पिया नहीं जाता, ये नॉर्थ इंडियन की प्रॉब्लम। हेलो हे फ्रेंड, तो अभी हम जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए। पहले मार्केट गए थे, उसके बाद में लंच कर लिया है। लंच करने के बाद अभी ये रही हमारी बस, और हम जाएंगे साइट सीइंग के लिए लुनावा में। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं देखने वाले, वो देखेंगे, आपको दिखाएंगे। तो चलिए आई चलती है बस में, इससे पहले कि बस चल जाए भगा के ले जाए। तो चलते हैं बस में, बैठते हैं और घूमते हैं यहाँ की नई नई चीज़ें। यहाँ पर कुछ वाटरफॉल हैं और एक डैम है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ, कुछ केव भी है यहाँ पे, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ सब मिलता है। और वाटरफॉल, अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वाटरफॉल ही देखने में, तो आपको ऐसे टाइम पे आना पड़ेगा जब बारिश होती है, तो तब आप वाटरफॉल देख सकते हो। अदरवाइज़ जो है आपको वाटरफॉल नहीं मिलेंगे यहाँ पर। और आइए चढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं। ये गर्मी लग रही है, हवा नहीं आ रही है, लाइट है क्या? इसमें से हवा नहीं आ रही, इसके अंदर से इसको खींच के निकालना पड़ेगा। इसे निकालना पड़ेगा, निकल नहीं रहा है कुछ। क्या करे, क्या करे, क्या करे, तो निकला नहीं। मैंने ट्राई किया ऐसे चलाने के लिए, लेकिन निकला नहीं, फिक्स है। तो चलो ऐसे काम चलाते हैं। ये लोग सब बैठे हुए हैं जाने के लिए। इधर है लाइन्स पॉइंट और बूसी डैम, तो अभी हम बूसी डैम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लोनावला में, तो इसलिए फंसे हुए हैं। बस है तो बस, बड़ी बस जो है आना जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सिर्फ छोटी वाहन और छोटी कार में अगर जा रहे हो तो वो बहुत इजी है घूमना लोनावला। उतर गए हैं, अभी हम जा रहे हैं बूसी डैम, जो कि यहाँ से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। शाम के 3 बज चुके हैं और टाइम बहुत कम है हमारे पास घूमने के लिए, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं जो भी देख पाएँ और आपको भी दिखाएँगे। तो
चलिए गोशी डैम से। केव जाना है हमें, केव जाना है। गाड़ी नहीं चला। कैप्टन कैप्टन हमें केव लेके जाइए। कैप्टन कैप्टन हमें केव लेके जाइए। आई एम नॉट कैप्टन, आई एम नॉट लीडिंग दिस टीम। तो ये डैम, लेक देख लीजिए, ये लेक नहीं है, ये वाली ये रेनी सीजन का ये पानी, ये वाटर बॉडीज हैं और इस तरह का रास्ता है। तो जो सामने एक पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे एक वहाँ तक, वहाँ वहाँ जाना है हमें उस जगह पे। और चलते जा रहे हैं डैम देखने के लिए। इधर आओ, सारे पत्थर हैं इसमें, फिशेस भी हैं छोटी छोटी इसके अंदर। वाओ, थांबा। तो राजेश इकड़े 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 आ जाओ, इकड़े 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 आ जाओ, इकड़े मतलब पता क्या राजेश है, इधर आओ। तो चल रहा है ये, तो थांबा मतलब रुको रुको, थम जाओ थम जाओ। तो ये हम पानी वाटर क्रॉसिंग है, ये इस तरह की, ये देखो ऐसे। रास्ता जो है ये पत्थर वाला कच्चा रास्ता है, स्मूथ रास्ता नहीं है। तो अगर स्पोर्ट्स शूज़ पहनो तो वो सही रहेगा आपके लिए, अगर आते हो इधर डैम देखने के लिए। तो रास्ता स्मूथ नहीं है, बहुत ऊपर खाबड़ रास्ता है, देखो ऐसा है इस तरह का। ऊपर खाबड़ मीन्स नॉट स्मूथ। ये इनका मतलब है, ये पूछ रहे हैं कि ऊपर खाबड़ क्या होता है। तो हमने बताया कि जो नॉट स्मूथ जो होता है वो ऊपर खाबड़ होता है। तो ये डैम आ गया, ये मेरे ख्याल में कभी किसी टाइम पे वाटरफॉल हुआ करता होगा ये, है ना। तो इन रेनी सीजन यू कैन नॉट गो टू ये ना डैम, नहीं रेनी सीजन में ये जो इस तरह का तो पानी होता है, पानी के अंदर तैर के जाना पड़ता है। नहीं वो तो खड़े रहते हैं ना, वो पानी आती रहती है, इस डैम से गिरता रहता है, यहाँ पे नहाते वो आते हैं। वाओ वाओ, हम भी इधर नहाते हैं। ये तो वही हो गया देहरादून वाला, वो वैसा हो गया, ये देहरादून में नहीं है वो शस्त्रधारा, शस्त्रधारा वैसी सी फीलिंग आ रही है उसमें भी, ऐसे ही है। ऊपर डैम बना हुआ है, नीचे ऐसी पथरीला है, बंदे बैठ के दारू पी रहे होते हैं एकदम। हमने पूरा महोत्सव के बाद दारू पी रहे होते हैं। धारा धारा मस्त है, वो भी ऐसा ही है। चला लोना लगा स्पेशल भेज रहे इधर, खाने के बाद ले लो स्पेशल भेज रहे इधर। लोना वाला की स्पेशल भेल मिल रही है और साथ में छल्ली और खीरे भी मिल रहे हैं। यहाँ से बड़े ध्यान से चलना चाहिए आपको, क्योंकि स्लिप हो सकता है। तो अभी बारिश नहीं है, पानी नहीं इकट्ठा, तो इसलिए थोड़ा इजी है। अदरवाइज अगर रेनी सीजन में आते हो तो आपको ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हम पहुँच गए हैं डैम के पास। फोटो हो जाए। तो ये सब लोग आ रहे हैं, ये देखिए वो सामने, वहाँ से हम बस छोड़ के ये पूरा रास्ता लेके, इस तरह का रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। पहुँचने वाले हैं ये डैम पे। तो ये है फर्स्ट व्यू, ये यहाँ से ये डैम नज़र आ रहा है। नीचे चलते हैं। तो कैसा लग रहा है डैम पे पहुंच के? इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, क्वाइट ब्यूटीफुल। और सराउंडिंग बहुत अच्छी है, एकदम अनटच्ड ग्रीनरी। नीचे चलते हैं। ये देखो, वाह ये
ये है ये है डैम, बहुत ब्यूटीफुल है। चढ़ाई चढ़ के उसके बाद में ये एक लेक की तरह लग रहा है, एक काफ़ी बड़ा है एरिया में और बहुत सुंदर ग्रीन वाटर है, काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ वहाँ से चढ़ के जो आने का मेहनत रंग लाई है और हमें इतना ब्यूटीफुल व्यू देखने मिला है। तो आप भी इंजॉय कीजिए, तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। बहुत रश है यहाँ पे और रास्ते में आपको लोकल खाने पीने का छली और काले चने उबले हुए इस तरह के स्नैक्स और नींबू पानी मिलेगा यहाँ पे पीने के लिए। और ठंडा गर्मी है मौसम, शाम को ठंडा होता है यहाँ पे, दिन में गर्मी रहती है। और एक सामने ये चट्टान दिख रही है, तो पहाड़ यहाँ पे इस तरह के कहीं कहीं ग्रीनरी दिखेगी आपको और कहीं पर आपको ये चट्टानें नज़र आएँगी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। Got you to one destination. She got you to one destination and the commander has been handed over. So how is your experience, guys? Yeah, yeah, very good. तो सबको अच्छा लगा है यहाँ पे आके और होपफुली यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो इसके साथ ही आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। तो अगले जगह चलते हैं, लेक पे चलते हैं या केव पे चलते हैं। आई विल शो यू द केव्स और लेक। तो अभी वापसी हो रही है नीचे।